मेरा क्लास करने वाले आप सभी बच्चों को मेरा आंतरिक जोग। बच्चों, पिछले दो क्लास से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ रहे हैं। आज भर एक क्लास और मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम देने जा रहे हैं। इसके बाद कल से डिटरमिनेंट का क्लास आपको मिलना चालू हो जाएगा। तब तक के लिए आज भर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने का प्रयास करें, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, ऑब्जेक्टिव समझना भी आवश्यक है। आज भर इसको देखिए, समझिए, कल से डिटरमिनेंट के समझें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर वन हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, तो ये हमसे कह क्या रहा, तो लिखता है इफ मैट्रिक्स का एलिमेंट लिया एक्स प्लस वाई, और नीचे लिख रहा है एक्स माइनस वाई, और दैट इज इक्वल टू, तो ये दिया टू वन, यहाँ लिखा फोर माइनस और थ्री, इंटू मल्टीप्लाइड बाय, ये दिया वन माइनस टू। तो हमसे पूछ रहा है देन राइट द वैल्यू ऑफ, देन राइट द वैल्यू ऑफ, ये दे रहा ऑर्डर पेयर एक्स का, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमसे जानना चाहते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में जो ये है, तो ये क्या दिए हैं, मैट्रिक्स दिए एक्स प्लस वाई, यहाँ दिया एक्स माइनस वाई। अब इस दोनों को क्या करने का, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से टू इंटू वन तो हो गया टू, और टू इंटू माइनस वन से ये हो गया वन, इंटू माइनस टू से ये हो गया माइनस टू। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से फोर इंटू वन से फोर, और फोर इंटू थ्री इंटू माइनस टू से ये हो गया माइनस सिक्स। दैट इम्प्लाइज, तो ये आया x प्लस y, यहाँ दिया x माइनस y, और इसका वैल्यू तो ये तो हो गया जीरो, और ये आ गया माइनस। तो अब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब हम कहते हैं कि इनका करस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो इसका मतलब आया कि x प्लस y इज इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, और जब हम आपस में देखते हैं ऐड करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी ये, तो जोड़ के देखो क्या आया, तो x प्लस एक्स ये हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस टू, तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस टू बाई टू कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस वन। आ किसी एक में बैठा दो फ्रॉम फर्स्ट, तो x आया माइनस वन प्लस y इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू इधर हो गया तो वन। तो देयर फोर, तो ये कहा ऑर्डर पेयर एक्स वाई का वैल्यू बतलाने, तो एक्स का वैल्यू कितना आया आपको, तो माइनस वन, और वाई हो गया वन। ये दूसरा सवाल देखिए,
question number 2, ये लिखता है मैट्रिक्स ए इज इक्वल एम ए टी आर आई ए इज इक्वल टू दिया 0 2 b, यहाँ दिया माइनस 3 1 3 और 3 a, दूसरा दिया 3 और यहाँ लिख रहा है माइनस 1 इज गिवन टू बी सिमेट्रिक इज गिवन टू बी सिमेट्रिक एस वाई डबल एम ई टी आर आई सी का फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फाइंड द वैल्यूज वी ए एल यू ऑफ ए एंड बी सॉल्यूशन। तो अब यहाँ क्या कहा, यह जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है ये कैसा मैट्रिक्स है, तो कहता है इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन पहले याद कीजिए, तो किसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं जब ए का ट्रांसपोज निकालें तो ए के बराबर हो गया, तो ए इज सिमेट्रिक एस वाई डबल एम ई टी आर आई सी। तो देयर फोर तो यहाँ आ गया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो दैट इम्प्लाइज तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, यही इसका ट्रांसपोज हो गया। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना लें, तो 0 3 यहाँ हो जाएगा 3 a, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देते हैं तो 2 b 1 3 यहाँ हो गया -2 3 और -1। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज, कहा ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो एक तो ए है 0 यहाँ आया 2 b यहाँ है -2 3 1 3 यहाँ आया 3 a ये 3 -1। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इनके जिस प्लेस पर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देखें यहाँ है 2 b, तो यहाँ 2 b किसके इक्वल है 3, यहाँ भी 2 b तो 3, तो दैट इम्प्लाइज 2 b का वैल्यू आज दिखाई दे रहा है 3 एंड यहाँ है 3 a तो -2, तो 3 a इज इक्वल टू तो -2, यहाँ से भी देख सकते हो 3 a का वैल्यू -2, तो दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ये हो गया 3/2 एंड ए इज इक्वल टू तो -2/2, तो देयर फोर से ए का वैल्यू आया -2/3 और बी का वैल्यू तो 3/2 हो गया यहाँ। तीसरा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या लिख रहा है, कहा राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, राइट द नंबर ऑफ एन यू एम बी ऑफ ऑल पॉसिबल
COSSILE Matrices of Order MATRICES of Order ORDER to process with each entry अब यहाँ देखते अब ये जो मैट्रिक्स है हमारा इसमें कितना एलिमेंट है तो ऑर्डर लिया टू क्रॉस टू मतलब कै गो एलिमेंट हो गया तो चार गो तो ई ए बराबर तो जैसे यहाँ लिखते ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू अब कह रहा है जो ऐसा हम लोग कितना मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक एंट्री देने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन दिया है तो स्थान प्लेस कै गो है चार गो तो इस पहले स्थान को भरने का कितना तरीका है तीन तरीका दूसरे स्थान को भी भरने का कितना तरीका है तीन तरीका तीसरे स्थान को भी भरने का तीन तरीका और चौथे स्थान को भी भरने का तीन तरीका तब तो ये हो गया थ्री टू द पावर फोर तो ये हो गया एट्टी वन मतलब ऐसा 81 मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं तो देयर फोर तो लिख देना नंबर ऑफ मैट्रिक्स एन यू एम बी ई आर ऑफ मैट्रिक्स एम ए टी आर आई सी ई एस इज इक्वल टू 81 चौथा सवाल क्या हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर ये दिया अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ है इफ तो ये मैट्रिक्स लिया टू वन थ्री इसको कहा मल्टीप्लाई हम करते हैं जी माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन वन जीरो और जीरो वन वन और यहाँ फिर तीसरा एक मैट्रिक्स लिया इसमें एलिमेंट दिया वन जीरो माइनस वन और ये लिखता है दैट इज इक्वल टू ए तो देन राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देन राइट द ऑर्डर ओ आर डी ई आर ऑफ मैट्रिक्स एम ए टी आर आई एस ए अब यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि इसमें ये हमसे नहीं कह रहा है कि इस तीनों का प्रोडक्ट आप निकालिएगा तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा ए है क्या नहीं हमसे सिर्फ इतने मांग रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए तो सिर्फ ए का ऑर्डर बतलाना है अब यहाँ देखो ए का ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका ऑर्डर क्या है तो इसमें एक रो है और तीन कॉलम है तो इसका ऑर्डर आया वन क्रॉस थ्री इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इसका ऑर्डर आया वन क्रॉस थ्री फिर दूसरा आप कह रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इसका ऑर्डर क्या है तो इसमें तीन रो है एक कॉलम है ये हो गया थ्री क्रॉस वन अब ये थ्री से थ्री कट जाएगा तो बचा क्या वन क्रॉस वन तो सिर्फ ऑर्डर बतलाना है तो सीधे लिख देना देयर फोर द
order of O R D E R of matrix M A P R I X A is equal to the ये आया वन क्रॉस वन मतलब एक ये सिर्फ ऑर्डर बतलाना है। हाँ जी एक कहेगा तब मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर मांगेगा सिर्फ ऑर्डर बता के छोड़ देना है। फिर वैसा ही सवाल इसमें दे रहा है ये ए बी का ऑर्डर बतला, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया थ्री क्रॉस टू, तो मान लो ए कोई मैट्रिक्स है पांचवा क्वेश्चन में समझ लो, तो इसका ऑर्डर दिया थ्री क्रॉस टू, कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर ले रहा है टू क्रॉस फोर, तो हमसे पूछ रहा है ये ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर ए बी का क्या आ जाएगा, तो थ्री क्रॉस फोर बाद इतने आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल जिसे ई दिया ये इफ ए इज इक्वल टू, अच्छा सवाल समझ, क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखा इफ ए इज इक्वल टू, तो क्या लिखा तो अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, कहता है इज सच दैट, इज सच दैट, सच दैट किस प्रकार से है ए एस वाई इज इक्वल टू है आई, तो अब कहा जाए देन, तो अब ये चार गो ऑप्शन दिया है, तो कहता है इसमें से कौन सा ट्रू है आप बतलाइए, तो पहला ऑप्शन ए में लिखा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू जीरो, दूसरा ऑप्शन दिया वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू जीरो, तीसरा ऑप्शन दिया वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू जीरो, और चौथा ऑप्शन दिया है जो वन प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, तो अब इसको समझें इस चार में से कौन सा ट्रू है ये हमको बतलाना है। अब यहाँ ये हेयर तो ए इज इक्वल टू कितना दिया तो अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, तो देयर फोर तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा तो ए इंटू ए, तो इसी को मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करने कहा तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इसको इससे इसको इससे तो अल्फा इंटू अल्फा, तो हो गया अल्फा स्क्वायर बी प्लस यहाँ आ रहा है बीटा इंटू गामा, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से ये है अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा बीटा इंटू अल्फा, इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस भी माइनस अल्फा बीटा आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से गामा इंटू अल्फा तो गामा अल्फा लिख लो, और माइनस इसको इसे करेंगे तो ये भी गामा अल्फा ही आ रहा है, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो बीटा इंटू गामा और माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो गया अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भाई तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा ये तो हो गया जीरो, ये भी आ गया जीरो, और ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा,
अब एसी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रकार से है सच दैट, मतलब इस प्रकार से ये ए एस्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो ए सी क्यू, तो आप दिए हैं ए एस्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो दैट इम्प्लाइज, तो क्या इसका मतलब हो गया, ए एस्क्वायर कितना आया, तो अल्फा एस्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, यहाँ हो गया जीरो जीरो, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, तो अब ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, तो ये डायगोनल एलिमेंट वन जीरो जीरो वन, तो अब लेयर फोर तो क्या दिखाई दिया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू हो गया वन, अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, तो वन तो सब में प्लस रखे हुए है, तो इस साइड लेके आ सकते, तो वन माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा इंटू गामा, इस साइड कुछ बचा ही नहीं जीरो, तो कौन सा ऑप्शन आया, तो सी है, तो देयर फोर आंसर में आ गया सी, अब एक और क्वेश्चन है इसको भी समझ लो, कहीं पूछिए दे, सात नंबर क्वेश्चन ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो कहता है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एम ए टी आर आई मैट्रिक्स एक्स नाम दे दिया, सो दैट तो ये कहा कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब ये परिणाम क्या आया है, सो इधर लिख दिया है, तो माइनस सेवन माइनस एट यहाँ लिख दिया, माइनस नाइन टू फोर सिक्स, अब यहाँ विचार करो सॉल्यूशन में, कि अब एक्स का हम लोग क्या ऑर्डर लें पहले, जिससे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये परिणाम आ जाए, तो यहाँ एक्स का ऑर्डर पहले माथा में सेट कर दें, क्या देना है, ये क्या है, तो इसमें दो रो है और तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर तो अभी छोड़ दे रहे हैं, मान लो इसका नाम दिए ए माथा में रखे, तो इसमें दो गो रो दिखाई दिया तीन गो कॉलम, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणाम आएगा नीचे, तो जो परिणाम आया इसमें भी दो रो है तीन कॉलम है, तो टू क्रॉस थ्री, तो हम समझाए कि यहाँ पर ऐसा लिखते हैं जो ई और ई कैंसिल हो जाए, तो यहाँ इसका मतलब टू रहेगा तब कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर थ्री लाना है लेकिन है क्या, तो टू ए क्रॉस थ्री परिणाम है, मतलब टू क्रॉस टू अगर लेते हैं तो ई टू से ई टू कैंसिल हो जाएगा, टू क्रॉस थ्री परिणाम में बच जाएगा, मतलब ये जो मैट्रिक्स एक्स है इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो टू क्रॉस टू, तो इसी पर मैं मान लो लेट एक्स इज इक्वल टू, तो टू क्रॉस टू लेना है तो लिख दिए ए बी सी डी, तो देयर तो ये परिणाम क्या हो गया, ए बी सी डी इसको कहा मल्टीप्लाई करने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब ये परिणाम क्या दिया, तो माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन टू फोर यहाँ लिख दिया, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि ऐसा ऑब्जेक्टिव में जल्दी नहीं देता,
तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो दो इधर से भी दो इधर से भी तो एक को इससे बी को फोर से तो ये हो गया ए प्लस फोर बी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ए को टू से बी को फाइव से ये हो गया टू ए प्लस फाइव बी। और यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये हो गया थ्री ए प्लस सिक्स बी। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया सी प्लस फोर डी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो सी को टू से डी को फाइव से तो ये हो गया टू सी प्लस फाइव डी। यहाँ से देखो सेकेंड रो तो थर्ड कॉलम तो ये हो गया थ्री सी प्लस सिक्स डी। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया है तो माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन टू फोर सिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी में तो कोई दो को इक्वेशन ले लेना हो जाएगा तो देयर फोर तो ए प्लस फोर बी तो इसका वैल्यू कितना तो ये इस प्लेस पर है माइनस सेवन इसको एक माइनस ए बी में ये भी रिलेशन है तो ये हो गया टू ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू इस प्लेस पर कितना तो माइनस एट। अरे भाई हमारे पास यहाँ ए बी दो गो अज्ञात है तो दो से ही वैल्यू निकाल लेना है आ इसमें पुट करके चेक कर लेना जी इसको सेटिस्फाई किया या नहीं तो समझ में आ जाएगा जी ये सही हो गया। दूसरा यहाँ दिया सी प्लस फोर डी तो ये किसके इक्वल आया तो यहाँ पर है टू ये तो टू के इक्वल हो गया। दूसरा और इसको इक्वल करते हैं तो टू सी प्लस फाइव डी तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर है फोर। अब फिर इसको सी डी का वैल्यू बैठा के चेक कर लेंगे सेटिस्फाई हुआ या नहीं। तो पहले इस दोनों से देखो जी इसमें ए दो गो है इसमें ए है तो दो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो लिखो जी टू माइनस टू इन टू बी तो सेकेंड इक्वेशन क्या है तो टू ए प्लस फाइव बी कहे हैं माइनस करने तो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा टू ए प्लस एट बी इज इक्वल टू तो ये पहले से है कितना तो माइनस एट माइनस। अब इसमें दो से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो ये हो गया टू इन टू माइनस सेवन। तो अब देखो ये टू ए से टू ए तो कट जाएगा तो फाइव बी माइनस ये हो गया एट बी तो ये आया माइनस एट आई माइनस इन टू माइनस सात दुना चौदह तब तो ये फाइव बी माइनस थ्री एट बी तो ये हो गया माइनस थ्री बी इज इक्वल टू तो चौदह में से आठ को घटा दो तो बच गया छः तो दैट इम्प्लाई तो बी बराबर तो सिक्स बाय माइनस थ्री हो गया माइनस टू। अब बी का वैल्यू फर्स्ट में बैठा लो तो ये निकल जाएगा तो फ्रॉम फर्स्ट तो यहाँ क्या देख रहे हैं जो ए प्लस तो फोर इंटू अब बी का वैल्यू आया माइनस टू इज इक्वल टू माइनस सेवन तो ये हो गया ए माइनस एट इज इक्वल टू माइनस सेवन तो ए इज इक्वल टू तो माइनस सेवन प्लस एट ये बच गया वन तो ए का वैल्यू आया वन और बी का वैल्यू माइनस। तो इसमें तीसरा में चेक कर लो ये ए का वैल्यू यहाँ माइन एक देंगे तो हो गया तीन और इसका माइनस टू तो माइनस ट्वेल्व तो माइनस बारह में से तीन जाएगा तो माइनस नौ सही आ गया। वैसा ही इस दोनों को सोल्व करके सी डी निकाल लो तो इसमें फिर दो से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो ये टू सी घट जाएगा एगेन। तो यहाँ लिखे
क्वेश्चन फोर अगेन तो फोर माइनस टू इंटू थ्री डी अब हटाएंगे तो फाइव डी और माइनस एट डी इक्वल टू तो ये हो गया फोर माइनस दूसरे गुना करके घटाते हैं तो ये भी फोर हो गया तो मतलब क्या हो गया जो माइनस थ्री डी इज इक्वल टू जीरो तो मतलब है जो डी डी है जीरो और इसी में बैठा दो थर्ड में तो डी जीरो हो गया तो सी प्लस फोर इंटू जीरो इज इक्वल टू टू तो सी का वैल्यू आ गया टू। अब इसमें पुट करके देखो जो सी है टू तो तीन दुना हो गया छ और डी है जीरो तो देखो छ है तो ये भी सही हो गया। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल तो ए बी सी डी ए कितना आया तो ए आया वन बी कितना है तो माइनस टू सी कितना है तो टू और डी कितना आया है तो डी आया है जीरो तो एक्स निकल गया। ठीक है अब कल से हम लोग डिटरमिनेंट सीखेंगे। अब मैट्रिक्स पर डिटरमिनेंट सीखने के उपरांत हम लोग तब आ जाएंगे एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट क्या होता है इनवर्स क्या होता है तब जो क्लास से तब समझेंगे। पहले डिटरमिनेंट समझ लेना सब। बीच में एक चैप्टर बुक में दिया रहता है जो पहले डिटरमिनेंट समझाइए तब एडजॉइंट और इनवर्स। थैंक यू। समझ में आता है लाइक करो मैक्सिमम शेयर करो और कुछ कमेंट करने की इच्छा हो कोई परेशानी महसूस करो तो भी कर सकते हो। कोशिश करेंगे तुम्हारे कमेंट का जवाब दे सकें। थैंक यू।